क्या पागल हो गया सिचुएशन बिग बॉस डॉक्टर बैठ करके एक पॉइंट पे बोलता है कि मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास आ किस हिसाब से बोल रहा था भाई फीलिंग्स एंड एवरीथिंग से झूठ बोल रहा था। एक तो ये चल रहा है कि मुनावर एक्सेप्टेड कि मेरे को फीलिंग्स हैं शादी करनी है एंड ऑल या इनडायरेक्ट प्रपोजल हिंट्स करके एंड देन तलवाले तलमीन ने रिएक्ट किया बिग बॉस के तलवाले एपिसोड के ऊपर जिस एपिसोड में आयशा खान बेहोश हो जाती है और तलमीन मुनावर के ऊपर भी रिएक्ट किया है। उन्होंने उसके बारे में क्या बोले आप लोग थोड़ी सुन लीजिए। अनुराग सेठी यार बैठ जा, मेरे को भी घबराहट हो रही है। बैठ जा, बैठ 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 बैठ। सभी घर वाले मेडिकल रूम से बाहर आ जाए। बाहर हो मुना, तू भी बाहर। मैं बैठ करके एक पॉइंट पे बोलता है कि मुझे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के पास जाना है। अभी बोलते हैं कि उसके लिए भी एफर्ट्स हैं कि वो खुद कंफ्यूज कर रखा है। बेसिकली ना बहुत कंफ्यूजन चल रहा है कि फीलिंग्स हैं या गलत है या मतलब दिख रहा है गलत है, बट आयशा को गलत दिखाया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी एंगल से, बिकॉज गलत था राइट उसकी कुछ थी, अब वो जो भी चल रहा है अंदर गॉड नोज किस हिसाब से बोल रहा था भाई फीलिंग्स एंड एवरीथिंग से झूठ बोल रहा था। एक तो ये चल रहा है कि मुनावर एक्सेप्टेड कि मेरे को फीलिंग्स हैं शादी करनी है एंड ऑल या इनडायरेक्ट प्रपोजल हिंट्स करके एंड देन आज वीकेंड के वार पे ही कम्प्लीटली फ्लिप्ड कि नहीं है ऐसा कुछ नहीं, मैं गिल्ट फ्री होने के लिए कर रहा था। तो पूरा घर ना वही समझा रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है उसे करना क्या और क्या नहीं करना है। नॉट ब्रिंगिंग एनीवन डाउन, जस्ट जो एपिसोड में हो रहा है ना उसको बता रहा हूं मैं, एंड बाहर का सच में किसी को नहीं पता क्या नहीं है क्या नहीं है। सो दैट इज इट, लाइक अभी पूरा घर ही कंफ्यूजन में घुस रखा है कि फीलिंग्स है या नहीं है, गेम के लिए या क्या नहीं है, कौन सा कौन